ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप कहेंगे इतना समय शांति में बैठे तुम आवाज में आती हो। इतना समय शांति में बैठे थे, मुझे पता नहीं है इतनी बहने है, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ देख रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ना। इतनी मीठी 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 बहने, डायमंड हार की शोभा बढ़ा दी है। अच्छा दोनों बहने आप बताओ, मैं क्या बताऊं, माइक तुम भी रो, भी रो, मैं क्या बताऊं इनको। इतनी बहने बैठी है, बहुत कुछ सुना है, अनुभव किया है। आज मैंने खुद कहा तो मैं बहनों के पास जाएंगे। हाँ बड़ी खेच हो रही थी, बोलो बोलो क्या बताऊँ इनको, दोनों बताओ क्या बताऊँ। भट्टी के बाद प्रैक्टिकल क्या, सुनो बताओ, ठहरो माइक रखो ना। दादी जी, जैसे भट्टी में अनेक बातों के ऊपर ज्ञान मिला, जैसे शक्ति भी भरी योग से, लेकिन इसको वहां जाने के बाद भी ये चलता रहे निरंतर। हाँ ये गीता मैंने बोला ना, हाँ सेम बात बोल रही, सेम बात बोल रही हूँ, और बात बोलो ना, कुछ और बात बोलो ना। ममता भी पूछे, अच्छा सुनो। हाँ ममता भी पूछ रही है दादी, पूछो ममता, ममता पूछ रही है ममता दादी जी, मुझे याद नहीं था ममता नाम है, वो शक्ल से लगती थी मेरे ममता ऐसी है। दादी जी आज गुरु पूर्णिमा है, तो सतगुरु बाबा की ओर से हमारी दादी हमें ऐसे वरदान दो। हम सबके लिए कभी कभी चांस होता है कि सतगुरु बाबा की दरबार में आज के दिन बैठे हैं, सतगुरु बाबा के दरबार में बैठे हैं, तो दादी जी से हम सतगुरु के वरदान लेना चाहते हैं। पूर्णमासी का दिन है ना, पूर्णमासी है दादी जी, पूर्णमासी है। अच्छा ये भाषणा सदा ही होवे। अच्छा मैं एक शब्द बोलती हूँ, मैं सदा ही भट्टी में हूँ, कभी भट्टी से बाहर निकली नहीं हूँ। कभी देखा भट्टी से बाहर, सदा ही भट्टी में हूँ, भट्टी में माना, भट्टी में माना, भट्टी में रहने से सारी मैल निकल गई, निकल गई मैल। अभी आप भट्टी में आए हो, चलो मैल निकल गई, दिल साफ सच्ची, दिल को हाथ लगाओ, सभी अपने दिल से पूछो, सदैं ऐसे ही रहना है मुझे, ये गीता मुझे जानती है, उत्सव जानती है, सब जानती, दिल साफ सच्ची। इसमें फायदा ये है, हिम्मत बच्चे मदद बाप, बस भंडारा भरपूर है खुशी का। आज मैंने किसको बोला पता नहीं, याद नहीं है, कभी हिम्मत नहीं छोड़ी है, कल पहला ही बारी है,
तो थर्ड संडे मैं योग में गई थी भाइयों के पास, 15 मिनट में खांसी ऐसी शुरू हुई आकर उठ के जाना पड़ा। पहला बारी हुआ है थर्ड संडे, पर आज हिम्मत नहीं छोड़ी, खांसी नहीं आई योग में। तो हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, ये सदा ही हमारे साथ हो। मैंने कभी न भूलना, देखना, अनुभव करना, मैं अपने अनुभव से सुना रही हूँ। हिम्मत नहार मिट रहा, हिम्मत नहार, हिम्मत से हार खाई न वैजयंती माला में नहीं आएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, प्रभु के गले की माला बनना है ना, तो प्रभु के गले में माला बन, गले की माला बनना है तो उसको पहले गले में लगाना है। मेरे गले का हार है शांति, मेरे गले का हार है। किसी ने पूछा शांति और सुख में क्या फर्क है, शांति और सुख में क्या फर्क है, खुशी में क्या फर्क है, खुशी शांति सुख में क्या फर्क है, बोलो क्या फर्क है, खुशी शांति सुख क्या फर्क है, बोलो। ये रूवरना तो नहीं हुई है जी दादी, खुशी शांति सुख में क्या फर्क है दादी? जब शांति में होते हैं तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, जब शांत में होते हैं तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, और तभी आनंद में जैसे खुशी के लहरों में लहराने लगते हैं, तो आनंद स्वरूप बन जाते हैं। अच्छा, तो खुशी क्या है? खुशी कभी कोई कारण से जा भी सकती है। हाँ जी, है ना जी, कोई कारण से है। तो ये बहने कोई भी कारण से, कारण आवे पर खुशी न जावे, याद रखना। कोई कारण आवे, कारण तो क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है, कारण क्या बड़ी बात है। विदेश से मुझे कई क्वेश्चन भेजते हैं, तुम कहते क्या बड़ी बात है, बात तो आती है ना सामने, तो उसका दादी क्या करे, तुम तो अपनी बात क्या बड़ी बात है, पर जब बात तेरे से करी बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए बड़ी बात है तो क्या करे। तो उसमें मैं आपको हल बता देती हूँ, बड़े बड़ी बात है या सोचने से बड़ी बात हुई है, यह है नहीं। पका है बड़ी बात, सोचने से बड़ी बात हुई है, फिर रिपीट करने से और बड़ी बात हो गई है, 10 को सुनाने से और बड़ी बात हो गई है, फिर लिखने से बड़ी बात हो गई है। ऐसे पत्र में क्या करूं, बाबा कहते सागर में डाल दो। ऐसे पत्र जब होते हैं ना, वो तो बेचारे क्या कर रहे, किसको सुनाए, मीठी दादी तुम ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी मेहमा करके, पर बातें ऐसी सुनाएंगे जो मुझे रोना आवे, मुझे भी रुला देवे। पर मैं क्या करती हूँ, ज्ञान सागर प्रेम सागर में डाल देती, वाइब्रेशन दे देती हूँ। बहन भाई समय को पहचानो, समय जा रहा है फिर वापस नहीं आएगा। संगम का जो समय है, आप पूछते बच्ची के बाद क्या करे, अरे समय है ना? समय है, समय स्वयं
बाबा परिवार चारों हम आप काम ठीक कराई होंगी पर समय स्वयं बाबा परिवार क्या बोलूं समय खुश है मेरे से समय खुश है बाबा भी खुश है आप भी खुश है अभी समय भी खुश बाबा भी खुश आप भी खुश मैं भी खुश तीन दिन सुख अल्लाह बात है खुश दादी हमें दिल खुश मिठाई दिल से खिलाती थी मैं कहती दादी बनाने कौन जानता है खाने में दिल खुश मिठाई है बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है बनाने कौन जानता है हमको दिल खुश मिठाई बनानी है अच्छी तरह से खिलानी है खानी है खाना सहज है खिलाओ सबको मुझे कहते तुम टोली खिलाने में नहीं बैठो ना अरे मुझे टोली खिलाने में मजा आता है ना बनाने में मजा आता है हमारे विश्व किशोर दादा ने किसके हाथ की टोली नहीं खाई थी हमारे हाथ की टोली अरे प्यार से खाता था भाव को थोड़ी टोली बना के खिलाती थी देती थी जो कुछ करो ना प्यार से करो सेवा है जो सेवा है जहां सेवा है प्यार प्रेम और क्या है और क्या है और क्या है प्यार प्रेम और स्नेह प्यार बाबा प्यार दिया है गोप गोपियों का प्रेम है ईश्वरी स्नेह है मैं दो दो तीन तीन शब्दों में बोलती हूँ प्यार बाबा का जो आज बाबा ने कहा बाबा इतना प्यार करते फिर छोड़ के चले जाते हैं कितना बाबा को मैंने इतना प्यार किया पसंती सुनंती कथंती तो भागंती मरंती आज बाबा क्या मरंती दिखी एक बाबा की वाणी में आ जाए बहुत अजब लगा बच्चे बैठे हैं बाप मर जाता है कभी हमारा बापा ऐसा है नहीं साथ लेके जाता है मुझे ऐसा अच्छा लगा बाबा का ये शब्द वो बाप मर जाता है बच्चे बैठे हैं मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जाता हूँ साथ लेके जाता हूँ इतना प्यारा बाबा हमको छोड़ के नहीं जाता है साथ लेके जाता है हम भी कहते साथ चलेंगे साथ रहेंगे सारा चक्कर साथ में रहेंगे बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा क्या बताऊं बाबा हम चले वतन की और खींच रहा है ना कोई प्रेम की डोर ये है प्रेम प्रेम की डोर खींच रही है ना बाबा और मीठा बाबा भी नहीं कहो कोई गरी ऐसी होती है शरीर को कुछ कुछ भी होता है सिर्फ मैं कहती हूँ उसके बाबा कहूँ मीठा बाबा नहीं प्यार बाबा नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बोलो बाबा जी बच्चा ठीक है बस
इतना अंदर से ईश्वरी स्नेह का शक्ति तो कोई नहीं पूछा, शक्ति कहाँ से आती है? पर ये कुछ पूछने की बात है, सर्वशक्तिमान के बच्चे से पूछा जाता है, जिसका बाप सर्वशक्तिमान है उनसे पूछा जाता है, उसके बाद कमजोरी रह सकती है? नहीं है, तो थोड़ी बहुत लाज रख देता है, चली जाती है बेचारी, है नहीं ना, मैं क्या करूं, ये शब्द है नहीं ना, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, ये भाषा मुख से कैसे निकल सकती, मैं क्या करूं कैसे करूं, लंगड़ी हूं क्या? बाबा ने, ये पुरानी बात है, बैरों को सुनने के लिए कान दे दिया, बैरे थे हम सब, पता नहीं था, सुनने के लिए कान दिया, गूंगों का मुख खोल दिया, लंगरों को चलना सिखा दिया, कोई कहेंगे कैसे चलूं, लंगरे थे ऐसे चलते थे, चलना सिखा दिया, भी क्या करूं, कोई शब्द कहेगा क्या, कैसे करूं, कौन हाथ उठाओ जो कभी न कहती हो, कहेंगी क्या करूं कैसे करूं, हाथ उठाओ, थोड़ा धीरे धीरे उठा रही है, धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे उठा रहे, कौन शादा बहन कहाँ गई है क्या शादा, ठीक है बच्ची में बच्ची के टॉपिक बड़ी बड़ी टॉपिक रखी है, अब हाथ थोड़े उठा रहे हैं, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ, हाथ थोड़े उठा रहे हैं, हाथ थोड़े उठा रहे हैं, क्या करूँ कैसे करूँ, क्या गूंगे हो क्या, बहरे हो क्या, हाँ कैसे चलूं, बाबा उड़ना सिखा रहा है ना, चलो जा रहे पंछी, ये देश हुआ बेगाना, ये गीत तो अच्छा है, पहले पहले शुरू शुरू में जब हम योग करते कराते थे, ये गीत गाते थे, बजाते थे, कभी काटते, ये टिप्पणी नहीं थी, चलो जा रहे पंछी, देश हुआ बेगाना, बहुत अच्छा, देश से ये हमारा है नहीं, पराए या पुराने से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, ये पराए है, पराए है पुराने है, मेरे नहीं है, तो मेरे से किसी ने पूछा था, तुम शादी की है, बारे में जब गई थी, मैंने कहा मैंने की है, क्या बोला, नाम क्या है, बच्चे है, हाँ बच्चे दो है, शादी की है दिलाराम से, सुख शांति दोनों बच्चे है, बड़े अच्छे है, आप बहनों बताती थे, इनमें तो कोई शादी नहीं की है ना, आज शादी कराती हूँ उनकी, थे दो बच्चे, बस शांति और सुख, पहले शांति, बेटी शांति है, बड़ी अच्छी मीठी है, सुख इतना अच्छा है, जो बाप का नाम बाला करता है, ठीक है, ये बातें थोड़ी भूलेंगे, भाई मैंने क्यों आई इस वर्ष में, मुझे चांस नहीं मिला है आपके साथ मिलने का, तो मैंने जो दिल खुली दिल से बोला, तो मैं भी हम बहनों से मिलने जाएंगे, पता नहीं था, वहाँ देखा था कॉन्फ्रेंस हॉल में, पर ये हाल डायमंड हॉल में इतनी बहनें बैठी है,
फर्स्ट टाइम देख रहे अमृत वेले भी नहीं आती हूँ ना अनुसा कल मुझे अमृत वेले लेके आना ना इसके ऊपर है ना कभी नहीं वहाँ बैठ जाऊँ ना मैं कहने आज मुझे सुना सुन बैठिए ना यहाँ हो ना कुछ सुनाओ ना बहनों को आओ आओ यहाँ बहन आज मेरा कहना मानो ना आओ 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 बहन आज मेरा कह इतनी सब बहनों को देख देखे तो सर मेरे साथ रहने वाली कौन सी बहन है क्या करती है सारा दिन रोटी तो मिलती है ना ना आओ आओ बहन आओ कुछ सुनाओ बहन एक कविता अच्छी सुना दो तो ये अच्छी कविता है अच्छी बनाती है अभी क्या है अच्छी बनाती है अच्छी बनाती है मैंने कहा ना अभी बताना छोड़ दिया है पर अभी आज आपको शायद मैं समझती हूँ मेरा कहना मानेंगी अच्छी एक कविता सुनाएंगी दो शब्द सुनाएंगे हाँ हाँ आओ बैठ बैठ तो मुखरा दिखाओ अपना मुखरा दिखाओ ना मुखरा दिखाओ ना उन्होंने देखा हुआ है नहीं 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 देखा है मुखरा कुछ सुनाओ हम बैठो मैं कौन हूँ बताओ मुरा पाई पा लो आराम से बैठो हाँ सुनाओ भाई हाथ में दो आज मेरा कहना मानती है छिपके छिपके बहुत अच्छा सुन मुस्कुराती है और पर मेरे को देखती है तो ये मुस्कुराए मैं कहती मुस्कुराती हूँ ना तो कह तुम्हें कभी आज सब मुस्कुराए ओ मुश्किल कोई बात नहीं मुस्कुराने वाले के लिए कोई मुश्किल बात नहीं तो मेरा एक ओम शांति है मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ और मेरा बाप परमा आत्मा है तो शक्ति स्वरूप हूँ तो मुझे क्या करने का है भगवान ने ड्रामा में नॉलेज ऐसी दी है ये आत्मा तुमको क्या करने का है आज एक अक्षर आया बुद्धि में अच्छा है बाबा बहुत अच्छा है पर चिंतन नहीं है नहीं है चिंतन नहीं है चिंतन क्या होता है होता ही नहीं है कोई बात करता है ना चिंतन की छोड़ो मुझे नहीं सुना फिर उसको इंसल्ट महसूस होती है मैं क्या करूं उसमें मैं क्या करूं उसको इंसल्ट महसूस होती है चिंतन तुम जो करते हो छोड़ दो ना समय आएगा ठीक हो जाएगा अच्छा बोलो बहन हाँ बोलो बोलो ओम शांति दादी कहती है कि आप बताओ कि मेरे साथ रह के क्या करती हूँ आप सभी यहाँ आते हैं भट्टी करने के लिए भारत में ये बहुत अच्छा सिस्टम रखा है भट्टियों का ना सिर्फ अपने अपने सेंटर्स के पर लेकिन खास विशेष जब यहाँ भट्टी करने आते हैं तो और एक बड़ा स्टैंप लग जाता है कि हम मधुबन में भट्टी करने के लिए गए हम लोगों ने कभी भट्टी नहीं किया है लेकिन मेरी भट्टी ये है दादी के साथ 24 घंटे रह के उसी भट्टी में रहती हूँ आप समझ सकते हैं किस रीति से दादी चलती है फिरती है कारोबार करती है तो उसी में ही रह के मैं अपने अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा भी हर श्वास संकल्प समय सफल होता है
तो कोई टाइम भी नहीं है कि कहाँ बैठ के किसी के पास साथ पर चिंतन करे, प्रदर्शन करे, और कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातों में जाने का नहीं होता है। तो इस बात में मैं अपने आप को बहुत लक्की समझती हूँ। और माइंड को भी इस रीति से ही ट्रेनिंग दिया है, और शुरू से दादी ने बहुत हमको अच्छी ट्रेनिंग दी है इन बातों में। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन हमको रखवाती है, खास जो चारों सब्जेक्ट है उसी में ही सारा टाइम दादी उसी पर ही हमको ध्यान खिंचवाती है। टीचर तो बन जाते हैं, और दादी हमेशा कहती है कि मैं टीचर नहीं हूँ, क्योंकि टीचर क्या करती है, टीचर शिक्षाएं देती है। लेकिन दादी क्या करती है, दादी कहती है मैं हमेशा अपने आप को सिखाती हूँ। और अभी तक इतनी आयु में 97 दादी पहुँची है, तो अभी भी अब तक दादी सीख रही है। तो उनको देख के हमको बहुत बहुत प्रेरणाएं मिलती है। और दादी तो अपना जो स्टेज है वो बना लेती हैं, वो बनाया है, हम उसके साथ रह के हम भी इसी प्रेरणा लेते हैं कि हम अपनी, चलो लोग कहते हैं कि आप दादी की ब्राह्मणी हो या दादी की असिस्टेंट हो, लेकिन मैं अपने लिए कौन सा पुरुषार्थ करूं जो दिखाई दे नहीं, इसने ही पुरुषार्थ करते, अपने आप पांव पर खड़ी है। हर बात में हम ये ध्यान रखते हैं, और ख़ास करके हम ये अटेंशन रखते हैं। पहले तो दादी कहते हैं कि विचार सागर मंथन करो, हम कोई लेक्चर करना नहीं आता है, ना हमें कोई क्लास करने आती है, लेकिन हमें ये एम जरूर रखी है जो बाबा मुरली में कहते हैं, जो बाबा हमें सिखाते हैं वो प्रैक्टिकल अपने जीवन में हमको दिखाना है। तो सिर्फ शब्दों द्वारा औरों को नहीं सिखाया जाता है, लेकिन दिल सभी को जो हमको देखते हैं उनों के दिल में लगे कि नहीं, सचमुच इन्होंने जो भगवान से लिया है वह प्रैक्टिकल इनके स्वरूप से दिखाई देता है। अपने लिए कोई ना कोई तरीका निकाला है, तो एक तरीका हमने निकाला था क्योंकि हमने सोचा ऐसे क्या हम पुरुषार्थ करें कि जो उससे हम आगे बढ़े। तो हमारा विचार सागर इस पर चला कि चलो मुरली सुनते हैं तो उस पे से बाबा कौन से शब्द राइम करते हैं, तो वो जैसे पोइम के रूप, कविता के रूप में मैं लिखूं। तो पहले जब शुरू में लिखती थी तो बाबा भी हमेशा कभी कभी मुरली में दो दो शब्द बोलते हैं तो अच्छा लगता है, तो हमने भी ऐसे शुरू किया। तो छोटी छोटी मैंने कविता शुरू किया था, वो दादी को सुनाती थी। दादी को इसलिए सुनाती थी कि हमको जैसे और दादी से प्रेरणा मिल के हमको आगे बढ़े। ये नहीं चाहती थी कि मैं क्लास में सुनाऊँ या इनसे मेरा नाम कोई आगे बढ़े, इस रीति से हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन दादी को जो अच्छा लगे वो हमेशा कहती है नहीं क्लास में सुनाओ, ये हमेशा दादी की ऊंची भावना होती है किसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए इस रीति से दादी हमको आगे बढ़ाती रही बढ़ाती रही। पहले तो छोटी बेबी कविता मैं लिखती थी, जैसे नर्सरी राइम थी, तो वो लिखते 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 फिर थोड़ा अभ्यास हो गया कि हिंदी में किस रीति से हम लिखे कविता। तो उसके बाद कई कविताएं हमने लिखी थी, और जो इसके पहले की भट्टी थी तो उसमें हमने सुनाया था कि किस रीति से दादी विदेश आई, विदेश में किस रीति से सेवा की,
तो इस पर सारी कविताएं लिखी थी, लेकिन इस समय जो मैं सुनाएंगी वो इस पर सुनाएंगी कि भाग्य है हमारा, हम सभी का कितना ऊंचा है। बाबा की नज़र सब टीचर बहनों के ऊपर होती है, क्योंकि टीचर बहन ही विशेष ये कार्य करती है सारा वर्ल्ड को जगाने का। तो हमने इस पर कविता लिखी है कि भाग्य है मेरा, तो ये सुनाएंगी अभी। भाग्य है मेरा यज्ञ सेवा करने का, बाबा से जो मिला अनेकों के साथ शेयर करने का। भाग्य है मेरा सीखने की भावना रखने का, सीखने की भावना रखने का, ना के शिक्षा देने का। फिर ही प्यार का संबंध जुटेगा यज्ञ सेवा करने का। सिंपल और सैंपल बनने का, सिंपल और सैंपल बनने का, सब में भावना बिठाने का। कदम कदम श्रीमत पर चलने का, औरों को प्रेरणा दिलाने का। अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनने का, कि सब पूछे इनको किसने बनाया, बना के भेजा। वैल्यू अपनी बना के रखने का, हमारा काम ही है करके दिखाने का। भाग्य है मेरा यज्ञ सेवा करने का। ओके, हो गया।